सलमान खान को बिग बॉस 18 के सेट पर कवर कर रहे हैं 60 सुरक्षाकर्मी। शूट खत्म होने तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सलमान खान की जान को पल पल खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई हुई है। सलमान खान को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ताजा धमकी में सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई से सुलह करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसके बाद से सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पुलिस तैनात कर कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। धमकी के बीच सलमान अपने मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 18 की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। 60 सुरक्षा कर्मियों के बीच होगी शूटिंग। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच बिग बॉस के सेट पर वीकेंड का वार होस्ट करने पहुंचे हैं। वहीं सलमान खान की टीम सिक्योरिटी और प्रोडक्शन टीम सभी एक्टर की सुरक्षा को लेकर आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो 60 लोगों के सुरक्षा के घेरे में सलमान खान बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार होस्ट करेंगे। वहीं शो में बिना आधार कार्ड के शो में किसी की भी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा बिग बॉस 18 के क्रू को बोल दिया गया है जब तक शूट खत्म नहीं होगा कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली धमकी। ताजा धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जरिए मिली है। नई धमकी में सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई से सुलह कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। वहीं इस धमकी में ये भी लिखा है कि अगर सलमान खान पैसे नहीं देते हैं तो वो सलमान का बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे। बता दें 12 दिसंबर को बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान दोस्त थे। वहीं बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान की वाई प्लस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इसमें सलमान खान के साथ एक पुलिस कार भी 24 घंटे साथ में होगी।